हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यूज़ अपडेट्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि गूगल मैप और ट्विटर इंडिया के मैप को गलत क्यों दिखाता है। आजकल एक न्यूज़ बहुत ट्रेंडिंग पर है, बैन ट्विटर फ्रॉम इंडिया एंड ट्विटर को बैन करो। इस ट्रेंड को एक स्टेप ने बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जब ट्विटर ने इंडिया के मैप को रॉन्ग दिखाया। ट्विटर ने अपने ट्यूब लाइफ में भारत का नक्शा का लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो गलत तरीके से दिखाया है। ट्विटर पर अभी जल्दी में ही दो FIR दर्ज हुए हैं। पहला है जो कि भारत का नक्शा को गलत दिखाने पर हुआ है। दूसरी FIR ट्विटर पर इसलिए दर्ज हुई है क्योंकि गाज़ियाबाद में एक मुस्लिम बुजुर्ग व्यक्ति को पिटाई करते समय का वीडियो है जो कि एक व्यक्ति ने अपलोड किया था और उसके बाद कई लोगों ने उसको एक धार्मिक एंगल दे दिया और कहा कि ये लोग जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लेकिन पुलिस एक जांच के बाद पता लगाती है कि ऐसा कोई मामला नहीं था, बस लोग में फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की जा रही थी। कुछ बुद्धिजीवी और कुछ मुस्लिम लोगों के द्वारा फेक न्यूज़ फैलाई जा रही थी। पुलिस की एक रिपोर्ट आने के बाद भी ट्विटर ने उस वीडियो पर कोई कार्रवाई नहीं की। ट्विटर किसी तरह का मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग भी नहीं लगाना चाहता था उस वीडियो पर, जो ट्विटर करता है फेक न्यूज़ को फैलाने पर। तो कुछ दिनों बाद गाज़ियाबाद की पुलिस ने ट्विटर और फेक न्यूज़ चलाने वाले कुछ वेरीफाइड अकाउंट पर FIR दर्ज की। तो सवाल यहाँ पर उठता है दोस्तों कि क्या ऐसा सिर्फ ट्विटर ही कर रहा है? इसका जवाब होगा नहीं। यहाँ पर ऐसा ही कुछ गूगल मैप भी कर रहा है। आप रोज़ गूगल मैप का यूज़ करते होंगे, गूगल मैप का भी यूज़ करते होंगे। गूगल मैप भी इंडिया के नक्शे अलग अलग देशों को अलग अलग दिखाता है। आपका मैप किस तरह का होगा ये आपके लोकेशन पर डिपेंड करता है। चलिए कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जो मैप आप लोग देख रहे हैं ये मैप जापान के गूगल का है, जिसमें ये जो सी आप लोग देख रहे हैं इस पर लिखा है सी ऑफ जापान। मतलब यहाँ पर गूगल ने शो किया है कि ये सी जापान का है जिसका नाम है सी ऑफ जापान। और आप जो ये मैप देख रहे हैं ये गूगल मैप कोरिया का है, जिसमें ये ऐप लोग को दिखा रहा है कि इस सी पर लिखा है ईस्ट सी, जो कि कोरिया कहता है। मतलब सेम सी का नाम सेम सी ऑफ जापान भी शो कर रहा है और साउथ सी भी शो कर रहा है सेम प्लेटफॉर्म पर। तो जब जापान के लोग सी ऑफ जापान देखते हैं और कोरिया के लोग ईस्ट सी देखते हैं तो क्वेश्चन ये उठता है कि और सारी कंट्रीज़ जापान और कोरिया को छोड़कर वो इस पर क्या देखती होंगी। तो फ्रेंड्स, ये वो मैप है जो सारी कंट्रीज़ देखती हैं। इस मैप में देख सकते हैं कि पहली सी ऑफ जापान और फिर उसके बाद नीचे ब्रैकेट में ईस्ट सी लिखा हुआ है। तो एक एग्जांपल इंडिया से भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैप आप लोग देख रहे हैं पाकिस्तान के और इंडिया के गूगल मैप का कंपैरिजन है, जिसमें आप अगर पाकिस्तान के साइड से देखते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर आधे से ज़्यादा का हिस्सा पाकिस्तान की बॉर्डर के अंदर है और लद्दाख का हिस्सा चाइना का है, ऐसा मैप शो कर रहा है। और अगर आप लोग इंडिया के हिस्से को देखें तो इंडिया में मैप शो कर रहा है कि कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख इंडिया का ही पूरी तरह से है। तो फ्रेंड्स, इस पर गूगल मैप की कंपनी का क्या कहना है? इस पर गूगल मैप का डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट इथान रसल का कहना है कि वो जिन कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स है उन देशों के लिए गूगल मैप एक अलग से लोकल मैप बनाता है और जिसे वो लोकल लेजिस्लेशन के कार्यवाही से
बेचा जाता है सॉरी भी बच जाता है। और हमारा कहना है कि वो अपने मार्केट को भी बनाने के लिए ऐसा करते होंगे और कोई सरकार उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाने से भी बचने के लिए गूगल मैप ऐसा करते होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसको शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।